आप में से बहुत सारे लोग ब्रांड्स को लिख रहे हैं, उनके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे मेल्स भी शेयर किए हैं, और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड ये किस तरह से काम कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को ये बताने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी ब्रांड्स हैं वो करोड़ों रुपया इस बात के लिए खर्च करते हैं कि वो बॉलीवुड के किसी फेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए और उसके सहारे उसकी जितनी जितने फॉलोअर्स हैं उनको वो अपना कस्टमर बना लें। ये एक सीधा सीधा प्रैक्टिस होता है जो अभी तक होता रहा है। आपको इन ब्रांड्स को ये बताना है कि ये जो चेहरे जिनको आप सोचते हैं कि ये आपको कस्टमर ला के देंगे, ये आपके ब्रांड को पॉपुलर बनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हम इन चेहरों को पसंद नहीं करते हैं। और ये बात किसी एक के एक बार बताने से नहीं होगी, जब तक इसका बार बार जगह जगह शोर नहीं मचाया जाएगा तब तक ब्रांड्स को ये बात समझ में नहीं आएगी। हो सकता है उन्हें अभी लग रहा हो कि ये कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। जितनी ज्यादा तादाद में लोग इस बात को कहेंगे, बार बार कहेंगे, अलग अलग जगहों पर कहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट बनना शुरू होगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मार्केटिंग सर्वेज होते हैं जिसमें ब्रांड आपसे पूछता है कि आपको उनके ब्रांड में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आप हर जगह एक एक स्लोगन की तरह इसको बार बार इस बात को लिखिए कि हमें बॉलीवुड के चेहरे आपके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं देखने हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स रिप्लाई भी कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे मेल्स भेजे हैं, जो आप उन्हें भेजते हैं फिर उनका जवाब आता है, तो मैं भी सीसी में होता हूँ, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी कोशिश जारी है, लेकिन ये कोशिश कई महीनों तक चलानी होगी, तब कुछ असर जाकर दिखाई देगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों का माइंडसेट है जिसे तोड़ने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। ये एक आध हफ्ते, 10-15 दिन, 20-25 दिन या 1-2 महीने में नहीं होगा। आप मानकर चलिए कि अगर 6 महीने तक लगातार करोड़ों लोग बार बार हर ब्रांड से ये बात कहेंगे कि उनको बॉलीवुड का फेस नहीं देखना है, तब आज से 6 महीने बाद जाकर कुछ स्तर पर इसका असर दिखना शुरू होगा। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आपने 10 लोगों को बोल दिया और काम हो गया। आपको ये बिल्कुल तपस्या की तरह करना है। अगर आप लोग वाकई कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, कि आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि एक एक व्यक्ति कम से कम 500 मेल्स भेजे 1 महीने में। आप समझ रहे हैं, यानी दिन के करीब 15 ईमेल्स आपको भेजने होंगे अलग अलग ब्रांड को। और ये 500 ईमेल्स भेजने का काम जब करोड़ों लोग एक साथ करेंगे, अलग अलग लोकेशन से करेंगे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, इंडिया के अलग अलग शहरों से भेजेंगे, तब जाकर ये इम्पैक्ट होगा। अगर इतना नहीं कर सकते हैं आप लोग तो माफ कीजिएगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं करता है। अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट कराने के लिए आपको बहुत बड़े स्तर पर ये काम करना है, और ये मजाक का काम नहीं है। इसको हल्के फुल्के तौर पर मत लीजिए, इसको अगर आप मिशन बनाकर कर सकते हैं तब इसमें साथ में आइए। देखिए, ये किसी भी एक के करने का काम नहीं है। अगर कोई भी एक या दो व्यक्ति करेंगे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, जागरूक करना, आप लोगों को पंप अप करते रहना, और आप लोगों को इस बात के लिए पुश करना कि आपने आज क्या किया, क्या आपने आज का 15 ईमेल भेजने का टारगेट पूरा किया। नहीं किया तो क्या कल आप 30 ईमेल्स भेजेंगे जो आपने आज 15 नहीं भेजे हैं। आपको ये काम बार बार करना होगा। मोनोटोनस लगेगा, बोरिंग लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये इम्पैक्ट बनाएगा। मार्केटिंग इमेज से होती है, ब्रांड इमेज से बनता है, फिल्म इंडस्ट्री इमेज से चलती है, और अगर इमेज खराब हुई है तो उसे बताना पड़ेगा। और इमेज का खराब होना और अच्छा होना एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। आपने देखा है कि हमारे सदी के जो महानायक हैं पिछले कई सालों से डटे हुए हैं, तो आज आलम यह है कि वो हर दूसरे एड में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पिछले 50 साल की मेहनत है, और आप चाहें कि ये 10 दिन में टूट जाए तो नहीं टूटेगा। आपको भी लंबे समय तक मेहनत करनी होगी, बार बार ये इंपैक्ट दिखाना होगा कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है। और जब तक आप इसको अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर लेते तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ये जो गटर है इसको अगर साफ करना है तो रोज झाड़ू लगानी होगी,
महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, दो दिन में एक बार करने से नहीं चलेगा, और आपको लंबे वक्त तक ये करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में हो जाएगा या महीने भर में हो जाएगा, लेट मी टेल यू, नहीं होगा जब तक 6 महीने का कॉन्टिन्यूस एफर्ट इसमें नहीं लगेगा। अभी तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वो 2020 वाला क्रिकेट टूर्नामेंट भी आ रहा है, बहुत से रियलिटी शोज आने वाले हैं, आपको हर जगह पर ये बात कहनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले बच्चे बड़े बड़े ब्रांड्स का चेहरा बने, तो आपको ये पहल करनी होगी। आई होप कि आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग मुझ तक तो रीच आउट करते ही रहते हैं, आप अपने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप भेजिए, लेकिन प्लीज़ इसको रुकने मत दीजिए। और हर एक शख्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि मेरे एक अकेले के करने से क्या होगा, ये जो एक एक करके जब करोड़ों होंगे ना, कैसे सड़क 2 को कितने करोड़ डिसलाइक्स आए थे, वो किसी एक व्यक्ति ने दिए थे क्या? नहीं, करोड़ों लोग साथ में बैठे थे तब हुआ था। वही आपको करना है। अपनी ताकत अगर दिखानी है तो थोड़ी ताकत लगानी भी होगी।